Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing well. This is Muhammad Abdullah Khalid, and in this video we will be discussing about the latest update regarding MDCAT 2022. All of your wishes, all of your questions and all of your queries regarding the delay of MDCAT, ki MDCAT delay ho chuka hai ya hone wala hai ya kab tak delay ho jayega, in sab ko is video mein discuss kiya jayega. Aur saath hi saath hum discuss karenge the impact of flood on your MDCAT 2022, the impact of PM DC bill and the impact of new governing body of PMC. और साथ ही साथ जो PMC की तरफ से latest updates हैं regarding MDCAT 2022 वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड. तो आप बच्चों को भी पता है जो उन एरियाज़ में रहते हैं जहां आज कल सैलाबी सूरत हाल है, और पीएमसी ने भी ये अनाउंस कर दिया कि हम उन सेंटर्स को जो उन इलाकों में हैं जहां पे फ्लड सिचुएशन है अभी, उन्हें रिलोकेट करेंगे. उन शहरों में, उन सेंटर्स में टेस्ट कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, बल्कि उन्हें रिलोकेट करके करीबी सेंटर्स में शिफ्ट किया जाएगा. और डेफिनेटली जब एक सेंटर चेंज किया जाता है तो डेफिनेटली आपकी डेट पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा. ना सिर्फ आपका सेंटर रिस्केजुअल किया जाएगा उन बच्चों का जो इन एरियाज़ में रहते हैं जहां फ्लडी सिचुएशन है, ना सिर्फ उनका सेंटर चेंज किया जाएगा बल्कि उनकी डेट जो है, टेस्ट डेट जो है, उसमें भी प्लस माइनस होने के चांसेस मौजूद हैं. या तो एक दो दिन पहले भी किया जा सकता है उनका टेस्ट, या दो चार दिन डिले भी हो सकता है उस डेट से जो अभी आपको पीएमसी की तरफ से फाइनल डेट आपके पोर्टल पे शो हो रही है. तो ये पीएमसी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि फ्लड फिलहाल कितना इम्पैक्ट करेगा आपके एमडीकैट को. वो बच्चे जो ओवरसीज़ में हैं, वो बच्चे जो पाकिस्तान के उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे सैलाब का कोई उस तरह से इम्पैक्ट नहीं है, जैसे इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर जैसे इलाके हैं, गुजरांवाला है, मेजर सिटीज़ जो हैं पंजाब के, वहाँ पर कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है. तो वहाँ पर जो टेस्ट है वो एज़ पर स्केजुअल होगा, और जिन बच्चों के रिलोकेट किए जाने हैं सेंटर्स और उनकी टेस्ट डेट्स, उन्हें ईमेल्स पीएमसी की तरफ से कर दी गई हैं, और जो बच्चे रह गए हैं उन्हें भी मजीद एक दो दिनों में जो है ईमेल्स जो हैं वो कर दी जाएंगी, और उन्हें नोटिफाई भी कर दिया जाएगा रिगार्डिंग देयर न्यू टेस्ट सेंटर एंड न्यू टेस्ट डेट. अगर बात करें पीएमडीसी बिल की, तो ये अभी अप्रूव नहीं हुआ. नेशनल असेंबली से अप्रूव हो गया, सेनेट से अप्रूव हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट से अभी इसे साइन होना है. तो जब तक ये साइन नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पीएमडीसी आने वाला है. और अगर पीएमडीसी आएगा तो क्या चेंजेस आएंगी, वो सब चेंजेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तब डिस्कस करेंगे जब पीएमडीसी बहाल होगा. फिलहाल पीएमसी ही अथॉरिटी है, पीएमसी ही 2022 का एमडीकैट कंडक्ट कराएगी और पैटर्न के मुताबिक कंडक्ट कराएगी और अनाउंस्ड करदा डेट्स पे ही कंडक्ट कराएगी. यहाँ पर अगर बात पीएमसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जाए, उनके ऑफिशल्स की जाए, जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले रिमूव कर दिए थे, तो इस पे अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि इनकी जगह न्यू जो लोग अपॉइंट करने थे वो अभी तक अपॉइंट नहीं किए गए. तो लिहाजा जब तक ये न्यू लोग आ नहीं जाते अपनी सीटों पे, तो ये क्या चेंजेस पॉसिबल पीएमसी में कर सकते हैं एमडीकैट के हवाले से, तो उस पे भी हम अपनी राय दे सकते हैं, कोई फैक्ट आपसे डिस्कस नहीं कर सकते. तो ये क्रूशल पॉइंट है. यहाँ पे हम नहीं समझते कि हम कोई अपनी राय दे के आपको आपके तैयारी वाले रास्ते से हटा दें. तो जब तक ये चेंज इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं. और लेटेस्ट अपडेट्स की अगर बात की जाए, जितनी भी चीज़ें ऊपर डिस्कस की गई, फ्लड की, पीएमडीसी बिल की और पीएमसी के न्यू ऑफिशियल्स की, पीएमसी क्या कहता है कि अभी तक ये कंफर्म है कि जो आपको डेट्स मिल गई उन डेट्स पे टेस्ट होगा. ये भी कंफर्म है कि जो पैटर्न बता दिया उसी पैटर्न के मुताबिक टेस्ट होगा. एक सहाफ़ी ने कल उनका इंटरव्यू किया, उनसे फ्लड सिचुएशन के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा हमने सेंटर रिलोकेट करने हैं, डेट्स रिस्केजुअल करनी है, मैंने आपको बता दिया. पीएमडीसी बिल के बारे में उनसे पूछा तो वो अभी अप्रूव नहीं है. न्यू गवर्निंग बॉडीज़ के बारे में पूछा तो वो उन्होंने बताया अभी तक अपॉइंट नहीं हुई, जब अपॉइंट होंगी तब वो अपना काम शुरू करेंगी. तो अभी तक के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि डेफिनेटली पीएमसी को सिफारिशात जा रही हैं, पीएमसी को रिकमेंडेशंस भेजी जा रही हैं, और पीएमसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि एमडीकैट को डिले कर दिया जाए बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन इन पाकिस्तान. लेकिन पीएमसी ने अभी तक ऑफिशियली इसे अनाउंस नहीं किया कि एमडीकैट डिले होगा या नहीं होगा. उनका जो जवाब है इस
क्यूरी पे या इस सजेशन पे, वो ये है कि वी आर थिंकिंग ऑन इट, कि हम इस पे सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और हतमी तौर पे अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि एमडी का डिले होगा या नहीं होगा। अभी जो चीज़ फाइनल है वो ये है कि आपको जो पोर्टल पे आपकी डेट शो हो रही है उस डेट पे आपका टेस्ट होना है, उसी पैटर्न के मुताबिक होना है। अब अगर बात रोल नंबर स्लिप्स की की जाए, जो आप लोगों को लास्ट वीक में मिलनी थी एज़ पर PMC अपडेट, तो अगर आप PMC के ऑफिशियल चैनल्स देखें तो आपको पता चलेगा कि जो ट्वीट इन्होंने की थी रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से कि आपको जो है लास्ट वीक में मिलनी थी, वो ट्वीट ही उन्होंने डिलीट कर दी। तो अभी तक कोई उसके बाद फर्दर नोटिफाई नहीं किया गया कि आपको रोल नंबर स्लिप्स कब मिलेंगी। तो इन केस अगर तो अपनी डेट्स पे ही टेस्ट होता है तो आपको रनिंग वीक में होपफुली रोल नंबर स्लिप्स मिल जानी चाहिए, और इन केस अगर आपको रोल नंबर स्लिप्स रनिंग वीक में नहीं मिलती तो इस बात का सबूत ये समझा जाएगा कि देर आर वेरी मच चांसेस कि आपका एमडी कैट जो है वो किसी हद तक डिले हो। और अपने ही इंटरव्यू में PMC वालों ने क्या कहा कि हमारा एक फेसबुक का ऑफिशियल चैनल है और एक हमारा ट्विटर अकाउंट है जिस पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देते हैं। लास्टली भी मैंने आपको ये बताया कि PMC जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है, लेकिन PMC में अगर कोई चेंज होता है तो PMC खुद अनाउंस करेगा, या अगर PMDC आता है तो वो खुद अनाउंस करेगा कि वी आर एक्टिव नाउ और इस साल का एमडी कैट हम कंडक्ट कराएंगे। अब आप किसी न्यूज़ चैनल की न्यूज़ सुन के या किसी तीसरे इंसान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ये अज्यूम नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि एमडी कैट डिले होगा। आपके लिए जो ऑफिशियल और हतमी न्यूज़ होगी वो PMC के ट्विटर अकाउंट से आपको पब्लिश की जाएगी और आपने सिर्फ और सिर्फ उसे ही फॉलो करना है। मैं देखता हूँ ग्रुप्स में इतनी सारे पोस्ट और इतने सारा जो ट्वीट्स हैं वो बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि डिले हो गया, डिले हो गया, और उनमें से सारी की सारी फेक होती हैं। अब आपने एक ट्वीट की, अपने अकाउंट से ट्वीट की, और उसका जो हैडर था वो चेंज करके आपने वो हैडर लगा दिया जिस पे ये लगे कि ये PMC के ऑफिशियल चैनल से जो है ट्वीट की गई है। तो आपको जब भी कोई ट्विटर की या फेसबुक की कोई तस्वीर भेजे और उस पे ये लिखा हो कि ये PMC के ऑफिशियल जो है प्रोफाइल उसी से शेयर किया गया है, तो आपके लिए बड़ा आसान है कि आप फेसबुक पे जाएं, PMC का जो ऑफिशियल पेज है उसे ओपन करें, या ट्विटर पे जाएं, उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है उसे ओपन करें और वहां जाके चेक कर लें कि ये ट्वीट वहां पे की गई है या नहीं की गई। 99% बल्कि 100% जो ट्वीट्स आप ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं वो PMC के ऑफिशियल चैनल पर नहीं होती, किसी ने बैठ के उसे एडिट किया होता है और आप लोगों को ग्रुपों में भेज दिया जाता है और आप लोग उसी पर सारी डिस्कशन कर देते हैं। मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो ये सजेस्ट करूंगा कि आपने अपनी तैयारी पूरी की, आपका जो एमडी कैट है वो आपके सर पे पहुंच गए, मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो ये रिकमेंड करूंगा कि अपनी तैयारी पूरी कर लें, अपनी तैयारी पूरी कर लें उस डेट के हिसाब से जिस डेट पे आपका एमडी कैट अभी आपको नोटिफाई किया गया है आपके PMC पोर्टल के ऊपर, अपनी तैयारी पूरी कर लें। इन केस अगर एमडी कैट डिले होता है तो आपके लिए बेहतर होगा आपके पास जो एडिशनल डेट्स आए, डेज मिलेंगे आपको, उन डेज पे आप अपने एमडी कैट के सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे, अपना रिवीजन प्लान बना लेंगे और अपनी तैयारी को मज़ीद पुख्ता कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसी उम्मीद पर बैठे रहे कि डिले हो जाना है, मैंने पढ़ना ही नहीं है, तो इन केस अगर डिले ना हुआ तो इसका नुकसान इवेंचुअली आप लोगों को होगा। बल्कि मैं तो अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि इन केस कल खबर आ जाती है कि PMC का जो टेस्ट है वो डिले हो रहा है, तो फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि आपने 90-95% सिलेबस तैयार कर लिया है, कुछ पोर्शन 5-10-15% आपका पोर्शन रहता है, उसे कंप्लीट कर लें पहले उसी पेस के साथ जिस पेस के साथ अभी आप बैठ के पढ़ें, इसी पेस के साथ आप उसे तैयार करें, पूरा करें, और फिर एक दफ़ा पूरी तैयारी करने के बाद फिर बैठें कि अब मेरे पास डेज कितने अगर इनकेस डिले होता है, तो उन डेज़ को फिर प्लान कर लें कि इन डेज़ में मैंने कितने दिन कुछ नहीं करना, मैंने छुट्टी करनी है, मैंने अयाशी करनी है, और फिर कितने दिन में मैंने अपनी रिवीजन प्लान करनी है, मैंने कौन सा क्रैश कोर्स प्रोग्राम ज्वाइन करना है या खुद से तैयारी करनी है, तो ये सारी चीज़ें बाद में करें। फ़िलहाल आप जो फोकस रखें वो अपनी तैयारी पर रखें।